नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवरकाल चक्रा में। मित्रों, आज मैं आपको केतु ग्रह के सप्तम भाव में बैठने का हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसके विषय में बताना चाहता हूं। मित्रों, केतु ग्रह के विषय में जब भी हम रिजल्ट निकालने लगते हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जिस भाव या जिस राशि में वो बैठा है उस भाव राशि में अन्य कौन से ग्रह बैठे हैं, यानी युति, दृष्टि, योग, ये सभी प्रकार की चीज़ों को हम पहले एनालाइज करें। इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि जो जिसके नक्षत्र में केतु बैठा है उसकी कुंडली में क्या स्थिति है। अगर वो कुंडली में वीक है तो केतु हमारे लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न करने वाला है, अन्यथा केतु की दशा हमें एक लेसन जरूर देगी लेकिन हमें बहुत परेशानी नहीं देगी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने ये महसूस किया है कि केतु की दशा में लोगों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, वो अत्यधिक दुख पीड़ा को महसूस करते रहे हैं। केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, यानी कि उसका गर्दन काटती थी, उसका सिर नहीं है, तो वो दिशाहीन कर देता है व्यक्ति को, एमलेस, होपलेस, हेल्पलेस कर देता है। सेपरेटिव प्लैनेट है तो जिन रिश्तों में बहुत अधिक मोह दिखाई देता है तो उन रिश्तों के प्रति उसकी डिटैचमेंट शुरू करा देता है, यानी जिस रिश्ते से पेन है उससे छुड़ाने का काम, या जिस रिश्ते में कोई रस नहीं बचा तो उससे भी दूर करने का काम केतु करता है, या हमारे मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न करता है कि जो हमारे आसपास के अपने लोग होते हैं हम उनसे धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। मित्रों, केतु फ्रस्ट्रेशन देने वाला ग्रह है, आपको इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि आपको रिस्ट्रिक्टेड महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि मैं कहीं एक किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, मेरे शरीर, मेरी आत्मा, मेरा जीवन मेरा साथ नहीं दे पा रहा। केतु आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो चुका होगा, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी देता है केतु आपको, ऑकल्ट साइंस का, लीगल जुडिशरी का जो कारक ग्रह है वो केतु है। अगर आप इन सभी चीज़ों में से किसी एक क्षेत्र में अपना समय लगाते हैं तो काफ़ी हद तक केतु की जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसमें कमी आ जाएगी। कम से कम केतु हर एक को इनमें से किसी विषय में इंटरेस्ट जरूर जगा देता है कि या तो ज्योतिष की तरफ या ऑकल्ट के किसी विषय की तरफ जानकारी लेने के लिए अलग अलग माध्यमों से जानकारी लेगा, अन्यथा ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं पर आपको दिखाई देगा कि वो लीगल केसेस में ही उलझा हुआ है, जो कोर्ट जाके वो जुडिशरी के या लीगल जो सेक्शंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझने लगा है। केतु हमें जो मोक्ष का द्वार है वो हमारे लिए खोल सकता है अगर हम अपनी इच्छाओं का संयम करना सीख लेते हैं, तो केतु हमारे लिए बहुत आसानी से मोक्ष के द्वार को खोल देता है। केतु हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है और वो हमें बताता है कि हमने पूर्व जन्मों में क्या क्या और किस विषय पर अपना पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया है, कौन सा विषय है जिसपे मेरी जानकारी बहुत ही श्रेष्ठ है और मुझे उस विषय पर किसी से और कुछ जानने की सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर फोकस्ड रहूँगा जिस जगह पर केतु है तो मेरा जीवन बहुत ही सहज और प्रसन्नतापूर्वक रहेगा। अगर मैं उसके अपोजिट में बैठे राहु की तरह ऑब्सेस्ड रहूँगा तो मैं किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होऊंगा और मेरे ना संतुष्ट होने के कारण मुझे बार बार दुख की पीड़ा की तकलीफ होगी। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी को दिखाता है। सप्तम भाव में आप देखेंगे कि जीवन साथी के साथ पार्टनर्स या जो भी लोग मेरे सामने आके बैठते हैं वो भी हमारे सप्तम भाव से दिखता है। केतु एक बहुत डीप पेन या डीप अटैचमेंट देता है, वो आपको रियलाइज करता है स्पिरिचुअल लेवल पे लव कैसे किया जाता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु आइदर आपको स्पिरिचुअली लव की तरफ इंडिकेट करेगा कि आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलकर अगर स्पिरिचुअल लव की तरफ बढ़ते हैं तो वो केतु आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अपने जीवन साथी से अपेक्षाएँ करने लग जाएंगे तो आपको बार बार डिससेटिस्फेक्शन होएगा, फ्रस्ट्रेशन होएगी, जिसकी वजह से आप उससे दूरी बना लेंगे, डिटैचमेंट होने लग जाएगी। ये आपके प्रेम संबंधों को और अधिक खराब करेगा।
आप जीवन में कभी भी इस प्रकार के रिजल्ट्स को आसानी से किसी के लिए भी देख सकते हैं। जब आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो रहा है, वो किसी से संतुष्ट नहीं होगा, जो आएगा सामने उसकी कोई ना कोई चीज़ उसे बुरी लगेगी और वो डिससेटिस्फाइड होकर वापस अपने घर में आ जाएगा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी डिससेटिस्फेक्शन रिश्तों में जब बन जाती है तो आप किसी भी रिश्ते को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। अपेक्षाएं ख़त्म करिए, अपने सामने वाले जीवन साथी के साथ मिलकर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़िए, या दोनों मिलकर कोई ऐसा काम करें जिसमें ऑकल्ट साइंस की एनर्जी यूज़ हो जाए, या लीगल जो जुडिशरी वाली साइड है या लॉ अबाइडिंग जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें और एक दूसरे से बंधन को और जोर से बांधने की कोशिश करें, तो ये केतु बहुत ही अच्छे से आपके रिश्तों में बढ़िया चीज़ें पैदा करेगा, नहीं तो ये गांठ उत्पन्न कर देगा जो कभी नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी। आप बार बार अनुभव करेंगे कि कोई भी चीज़ उन्हें संतुष्ट नहीं कर रही है और रिश्ते आपके हाथ से रेत की तरह बिखर जाएंगे। तो मित्रों, अगर केतु आपको परेशान कर रहा है तो सबसे पहले आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। काले कुत्ते को या चितकबरे कुत्ते को भोजन खिलाने से भी बहुत लाभ होगा, गाय को हरा चारा देने से भी केतु से संबंधित चीज़ों में बहुत लाभ होता है। घर में अगर कहीं दरारें हैं तो वो दरारें रहने ना दें, नहीं तो वो आपके जीवन में भी दरारें उत्पन्न कर देगा। ध्यान रखिए, केतु इंसान को एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बना सकता है, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में उसके विषय में सीखा हुआ है, जाना हुआ है, और यही केतु आपको सभी से दूर करने का कार्य भी कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।